आज की जो क्लास हम लोग लेकर आए हैं जीके की क्लास है, स्टैटिक जीके की। और इसमें हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं 10,000+ क्वेश्चन की। और ये जीके जीएस का लाइव क्लास एक्चुअली आ रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन आपको अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आपको ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन आपको हंगरी। जल्दी से कमेंट करिए आप, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, हंगरी। ठीक है, हंगरी की जो कैपिटल है वो है आपकी कौन सी, बुडापेस्ट। ठीक है, ये हंगरी की कैपिटल है। वो आपको बता दें, यहाँ ब्राज़ील में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको बोलते हैं कंपोज। ठीक है, कंपोज। और आपका अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी, क्या पाया जाता है, प्रेरी। और ऑस्ट्रेलिया स्टेपी, स्टेपी। ठीक है, अब आपको ब्राज़ील की कैपिटल क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कोबाल्ट है वो किस विटामिन में पाया जाता है, तो जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा B12। कोबाल्ट जो है वो B12 में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें और इसमें समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले विटामिन जो शब्द है, जो विटामिन नाम है, ये मान लो ये जो नाम है, इसको दिया था फंग ने, एक साइंटिस्ट थे, कौन, फंग। इन्होंने विटामिन शब्द को बताया था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि विटामिन ए, ठीक है, ये किसने किया था, तो मैकुलन एक वैज्ञानिक थे, मैकुलन, इन्होंने विटामिन ए की खोज किया था। और विटामिन बी की भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, और सी की किया था हल्कर, इनको होलकर भी बोलते हैं। ठीक है, और डी की किया था हॉकिंस ने। ठीक है, ये शायद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें इसमें और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ए है, ए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है वो होता है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से जो होता है वो होता है स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार से बनते हैं, दो टाइप के, एक वसा में और दूसरा जल में। ठीक है, वसा में जो होती हैं वो होती हैं ए डी ई के, और जो जल में होती हैं बी एंड सी। ठीक है, जो विटामिन सी है ये सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में, जैसे आपका संतरा हो गया, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन ए, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ई ए जो है ये एकत में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। और इनकी कमी से रोग भी हमने बता दिया, सारे डिस्कस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया, गीत जनगण मन के भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया है। ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बोला गया सवान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। तो सवान सिविल संहिता जो है ये आपकी अनुच्छेद करना 44 में समान सिविल संहिता का अनुच्छेद बोला गया। ठीक है, अगला बात करते हैं,
बोला गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ है, एमपी में स्थित है, एमपी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है 12 अगस्त। देखो 12 जनवरी पहला ऑप्शन है, लेकिन 12 जनवरी नहीं है, क्योंकि ये होता है केवल जो 12 जनवरी को होता है, ये केवल राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय का मतलब क्या है, ये केवल इंडिया में मनाया जाता है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और जो भारत में मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, शायद आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया पंथी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो लोक नृत्य की भी क्लास हम लोग जल्दी लेकर आएंगे, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन आपको और बताना है कथक, कथक कहाँ का प्रचलित नृत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और एक और आप यक्षगान, यक्षगान, ठीक है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो ये होता है स्ट्रॉम्बोली। होता क्या है, ये भूमध्य सागर से क्या होता है, स्ट्रॉम्बोली जो है ज्वालामुखी, इससे क्या होता है काफ़ी तीव्र प्रकाश होता है। ठीक है, जो यहाँ से निकलने वाले जो जहाज़ों के लिए उनके लिए क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश की तरह काम करता है, लाइट की तरह, तो इस वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, किसको, स्ट्रॉम्बोली को। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सुबनसरी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की, सुबनसरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपसे बोला गया पहली बार जनगणना कब हुई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। सबसे लंबा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हमने बताया था कौन थी, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था, सबसे लंबा बजट पेश किया था। बजट किस अनुच्छेद के तहत, तो बजट आपको बताया था 112 के तहत। शासन तापी ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ है, ये छोटा क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, भारत का सबसे पहला है, ये भी आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये कुछ हमने लिया था, तो इनको ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको ये कमेंट में कमेंट करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल आपको अगली क्लास के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।